हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल मिक्सचर। तो मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि वॉल मिक्सचर को कैसे चूज़ करें, ठीक है। पहले मैं सिंपल वॉल मिक्सचर बताऊंगा, उसके बाद जो है थ्री वे आता है, उसके बाद क्रच वाला आता है, वो सभी बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा वॉल मिक्सचर है, ये टू हैंडल है, एक साइड से कोल्ड पानी एडजस्ट होता है, एक साइड से हॉट पानी एडजस्ट होता है, ठीक है। और ये जो बटन लगा हुआ है, अगर इसको लेफ्ट में करेंगे तो स्पाउट में से पानी आएगा, ये वाले स्पाउट में से, और इसको राइट में कर देंगे तो पानी चला जाएगा हमारे ओवरहेड शावर के लिए, ठीक है। ये वाली जो पाइप जा रही है ओवरहेड शावर के लिए जा रहा है। वॉल मिक्सचर क्या करता है, गर्म और ठंडे पानी को, पहले क्या लगता है दो टैप लगती थी बाथरूम के अंदर नहाने के लिए, अभी क्या हो रहा है, अभी वॉल मिक्सचर आ रहे हैं, वॉल मिक्सचर जो है दोनों को मिक्स करके देता है, मतलब दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं रहती कि कितना गर्म डालना है कितना ठंडा डालना है, दोनों हैंडल से एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आ जाता है, ये तो हो गया बकेट भरने के लिए, ये चला गया ओवरहेड शावर के लिए। अब ये वाला जो वॉल मिक्सचर है इसमें हैंड शावर के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, हैंड शावर के लिए प्रोविज़न यहाँ से होता है, जो एक आउटलेट निकलता है वो यहाँ से होता है, ये वाले वॉल मिक्सचर में नहीं है। ये टू वे है, बकेट भरने के लिए और शावर के लिए, दो तरह का। अब इस वाले पे आ जाते हैं, ये वाले में थ्री वे है। थ्री वे का मतलब है कि एक पॉइंट यहाँ से निकले, ये तो बकेट भरने के लिए है, एक पॉइंट यहाँ से निकलेगा, उस पॉइंट पर आप हैंड शावर लगा सकते हो, ठीक है। वो भी सेम ऑपरेट होगा, गर्म ठंडा पानी, गर्म पानी ऑन ऑफ, एक से बकेट से, और ये जो हैंड शावर होगा वो ये वाले पॉइंट से ऑपरेट होगा, ये जो टिपटॉन लगा हुआ है यहाँ पे इससे ऑपरेट होगा। और इसके ऊपर हमने ना एक पार्ट लगाया हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं, ओके गाइज, ये वाला जो वॉल मिक्सचर है यहाँ से बकेट भरने के लिए, यहाँ से हैंड शावर के लिए, और ये वाला जो पार्ट होता है ये है क्रच, इसको क्रच बोलते हैं। क्रच इसलिए यूज़ होता है कि जब आपके प्लम्बर ने या आपसे गलती हो गई, आपने दीवार के अंदर अपने शावर के लिए पॉइंट नहीं दिया हुआ है और आप चाहते हो कि अपने शावर लगाना है, तो आप ये वाला पार्ट यूज़ करके यहाँ पे शावर यूज़ करते हो, यहाँ से यहाँ पे हो जाएगी, ये भी सेम ऐसे ही ऑपरेट होगा, यहाँ से हो जाएगी और हैंड शावर आपका यहाँ पे लग जाएगा। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको अभी, ये देखिए गाइस, क्रच के साथ ऐसे हैंड शावर लग जाता है, ठीक है। क्रच हम तभी लगाते हैं जब हमने दीवार के अंदर जो है शावर के लिए पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ है, उस जगह पे क्रच लगता है, ये वाले पार्ट को क्रच बोलते हैं। ये आपको मार्केट में सेपरेटली भी मिल जाता है, और इसके ऊपर जो है ये हुक बनी होती है शावर को होल्ड करने के लिए। ये देखिए गाइस, जब आपका ओवरहेड शावर के लिए प्रोविज़न ना हो तो आप वॉल मिक्सचर के ऊपर ये क्रच लगा सकते हैं और साथ में हैंड शावर लगा सकते हैं। मेरे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप थ्री वे ही वॉल मिक्सचर कभी भी परचेज़ करें तो थ्री वे वॉल मिक्सचर ही परचेज़ करें। इसमें क्या रहता है, इसमें एक कनेक्शन आपका ओवरहेड शावर के लिए चला जाएगा, जैसे जेंट्स होते हैं घर में वो डेली नहाते हैं तो बाल डेली गिले कर लेते हैं, बट लेडीज़ का क्या होता है, लेडीज़ डेली जो है अपने बाल गिले नहीं कर पाती, तो उनको क्या है, उनको हैंड शावर चाहिए होता है बाकी बॉडी धोने के लिए, और हैंड शावर बाल गिले नहीं करने, तो आप ये वाले पॉइंट के ऊपर जो है हैंड शावर कनेक्ट कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, ये देखिए, ये देखिए गाइस, इसमें कि अभी क्या हो गया है, ये थ्री वे वॉल मिक्सचर है। थ्री वे का मतलब है इसमें तीन रास्ते खुल रहे हैं पानी के, एक ये वाला बकेट के लिए जो ये वाले हैंडल से ऑपरेट होगा और इसको राइट करेंगे तो ऑपरेट हो जाएगा, सेकंड हो गया हैंड शावर जो लेडीज़ के लिए बेनिफिशियल है। ये देखिए, हैंड शावर लगा हुआ है, इस पॉइंट से ये ऑपरेट होगा, ये वाले टिपटॉन से, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ से जा रहा है जो जा रहा है ओवरहेड शावर के लिए, जो हमने छत के ऊपर पानी के शावर लगाना है, वो इसको अगर इस पॉइंट को राइट करोगे तो ऑपरेट हो जाएगा, लेफ्ट करोगे तो स्पाउट में से पानी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा वॉल मिक्सचर है, तो हमारे अकॉर्डिंग आप जब भी परचेज़ करोगे तो थ्री वे ही परचेज़ करना, इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, ओके गाइज़।